नमस्कार, नेशनल वॉइस में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के ट्विटर अकाउंट से मैसेज भेजा गया है और वहीं पेट्रोलियम पदार्थों पर 2% वैट सेस कम होने का मैसेज ये भेजा गया है। वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने खबर का खंडन किया है और वहीं सरकार ने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है, ये कहना है प्रकाश पंत का। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि आ रही है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से, जहां सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के ट्विटर अकाउंट से एक मैसेज भेजा गया है, जिसमें पेट्रोलियम पदार्थों में 2% वैट सेस कम होने का ये मैसेज। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने खबर का खंडन किया है और वहीं सरकार ने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है, ये कहना है प्रकाश पंत का। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें, वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने इस बात का खंडन किया है, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के ट्विटर अकाउंट से ये मैसेज भेजा गया था, पेट्रोलियम पदार्थों में 2% वैट सेस कम होने का ये मैसेज भेजा गया था और वहीं वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने इस खबर का खंडन किया। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ सुरेंद्र डसीला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी, आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है, ऐसे में अगर ये अकाउंट से, ट्विटर अकाउंट से ये मैसेज भेजा गया है, तो अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत के लोगों ने नहीं भेजा तो फिर किसने भेजा? देखिए गौरव, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये मुख्यमंत्री का खुद का वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट है, जिसमें ब्लू टिक आप देख सकते हैं और ये ट्वीट मुख्यमंत्री के अकाउंट से ही हुआ है। और इसमें ये बताया जा रहा है कि राज्य में 2% वैट और 2% जो सेस है वो कम किया गया है पेट्रोलियम पदार्थों में। लेकिन कैबिनेट की जो आज महत्वपूर्ण बैठक थी, उसमें कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं लाया गया था। कैबिनेट के जो प्रवक्ता हैं, कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक, उन्होंने मना किया है। जो प्रदेश के वित्त मंत्री है प्रकाश पंत, तो वो खंडन कर चुके हैं। उनका कहना है कि ये किसी भी तरीके से ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ है। अब इस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया है सीएम के अकाउंट से, और इसे क्लेरिकल मिस्टेक या ऑफिस की मिस्टेक इसे माना जा रहा है कि किसी कर्मचारी की गलती से ऐसा हुआ है। किसी न्यूज एजेंसी ने सबसे पहले ये न्यूज सर्कुलेट की थी कि राज्य में 2% पेट्रोलियम पदार्थों में वैट और जो सेस है वो कम हो चुका है। लेकिन इस पूरी खबर का खंडन वित्त मंत्री ने किया है। उन्होंने कहा सरकार ने कोई भी ऐसा फैसला अभी नहीं लिया है। तो जैसा कि आपने बताया कि ये वेरीफाइड अकाउंट है, तो अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत के अकाउंट से ट्वीट नहीं हुआ है, तो आखिर ये ट्वीट किया किसने? नहीं गौरव, देखिए ये जो ट्वीट हुआ है ये सीएम त्रिवेंद्र रावत के अकाउंट से ही हुआ है। लेकिन इसमें किसकी गलती रही है, अब इसमें जांच बैठनी चाहिए और जांच होनी चाहिए। जब प्रदेश के मुख्यमंत्री के अकाउंट से गलत ट्वीट जा सकता है, तो फिर किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था है और किस तरीके के, क्योंकि जो मामला है वो मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़ा है, तो ऐसे मामले में जांच होना जरूरी है कि आखिरकार अगर गलत ट्वीट हुआ तो किसने किया है। गौरव, तो ऐसे में अगर मान लीजिए गलत ट्वीट होता भी है, तो ऐसे में अगर दिक्कत कहाँ आ रही है? अगर मान लीजिए प्रकाश पंत ने इस बात का खंडन भी किया है, लेकिन अगर 2% वो वैट कम कर देते हैं या सेस में वो डिस्काउंट लोगों को देते हैं, तो जनता का ही तो फायदा है और सरकार तो जनता के लिए, हित के लिए तो काम करती है। देखिए गौरव, सरकार से कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री से खुद नेशनल वॉइस में बात की थी और मुख्यमंत्री ने साफ कहा था कि सरकार को अपने रेवेन्यू सेक्टर को भी देखना है। उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसी हालत नहीं है कि हम और बड़े राज्यों की तरह 2% अपना वैट कम कर सकें। तो ये मुख्यमंत्री ने पहले ही कहा था कि वैट कम नहीं करेंगे वो। और आज की जो कैबिनेट बैठक थी, उसमें 24 प्रस्तावों में पेट्रोलियम पदार्थों को लेकर कोई प्रस्ताव था ही नहीं। तो इसका मतलब साफ है कि सरकार की कोई मंशा पेट्रोलियम पदार्थों के वैट या सेस को कम करने की नहीं थी। हालांकि पिछली कैबिनेट बैठक में जरूर सरकार ने वैट कम किया था, लेकिन वो वैट इसलिए कम किया गया था क्योंकि उत्तराखंड में जो पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत है वो यूपी से ज्यादा थी, तो यूपी के बराबर लाने के लिए पिछली कैबिनेट बैठक में ये किया गया था। लेकिन आज क्योंकि अब जब पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है, तो उसके बाद कई राज्यों ने कम किया है, लेकिन उत्तराखंड में अभी पेट्रोलियम पदार्थों में कोई कमी फिलहाल नहीं लाई गई है। सुरेंद्र जी, आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से अगर देखा जाए, तो उत्तराखंड के लिए ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी सौगात हो सकती थी, क्योंकि पहले भी 3 राज्यों में टैक्स की दरें जो हैं वो कम कर दी गई है, चाहे बात करें गुजरात की, चाहे बात करें महाराष्ट्र की, चाहे बात करें हिमाचल प्रदेश की। तो अगर यहां पर भी टैक्स कम होता है, तो उत्तराखंड की जनता को फायदा मिलता है और उत्तराखंड देश का चौथा ऐसा राज्य बन जाएगा जिसमें पेट्रोलियम के जो वैट है उसकी दरें जो है वो कम हो जाएंगी। देखिए गौरव, सीधा सीधा हिसाब है, जिन जिन राज्यों में वैट कम हुआ है वहां
या तो चुनाव आने हैं या आगामी 4 से 6 महीनों में चुनाव होने हैं। उत्तराखंड में चुनाव संपन्न हुए 6 महीने हो चुके हैं। 2019 में जब चुनाव होगा तो उससे पहले हो सकता है सरकार इस तरीके के लुभावने फैसले ले आए, लेकिन फिलहाल उत्तराखंड में कीमतें कम होती हुई अभी फिलहाल नहीं दिखाई दे रही गौरव जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और हमें तमाम जानकारियां देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रकाश पंत ने, वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने सिरे से इस बात को खारिज कर दिया है कि ऐसी कोई खबर नहीं है। और जैसे कि हमारे ब्यूरो चीफ ने भी बताया कि जिस जिस भी प्रदेश में टैक्स की दरें कम की गई हैं वो कहीं ना कहीं उसमें इलेक्शन होना है, इस वजह से एक सौगात जनता को टैक्स में जो टैक्स कम किए गए हैं उसके रूप में दी गई है।